हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग रातें लंबे सॉन्ग लर्न करेंगे। ये सॉन्ग शेरशाह मूवी से है एंड इस सॉन्ग की मोस्टली कॉर्ड्स बार कॉर्ड्स हैं, बट हम लोग सेम कॉर्ड्स कैपो से भी बजा सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉर्ड में कोई भी इश्यू है तो आप मेरी मेजर एंड माइनर कॉर्ड सीरीज जरूर देखें। एंड इस सॉन्ग में दो सस्पेंडेड कॉर्ड्स भी यूज हुई हैं, तो आप सस्पेंडेड कॉर्ड्स वाली सीरीज को भी रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्ड्स देख लेते हैं इस सॉन्ग की। सो आपको जो सस्पेंडेड कॉर्ड्स बजानी है वो इंट्रो में बजानी है खाली। एंड वो सस्पेंडेड कॉर्ड्स है हमारी ए शार्प सस्पेंडेड टू एंड ई फ्लैट सस्पेंडेड टू। ओके, तो ए शार्प सस्पेंडेड टू आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं फर्स्ट फ्रेट पे एंड ई फ्लैट सस्पेंडेड टू आपको सिक्स्थ फ्रेट पे प्ले करनी है। एंड इसके अलावा जो तीन मेजर कॉर्ड्स यूज हुई है हमारे सॉन्ग में वो है हमारी ए शार्प मेजर, ई फ्लैट मेजर एंड एफ मेजर। तो अगेन जो कॉर्ड्स यूज हुई है सॉन्ग में वो है ए सस्पेंडेड, ए शार्प सस्पेंडेड टू, ई फ्लैट सस्पेंडेड टू, ए शार्प मेजर, ई फ्लैट मेजर एंड एफ मेजर। ओके, सो ये हमारे सिंपल से कॉर्ड्स यूज हुई है सॉन्ग में। एंड अब इसका स्ट्रमिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो स्ट्रमिंग पैटर्न भी बहुत इजी है सॉन्ग का, हमें बस सिक्स स्ट्रोक पैटर्न फॉलो करना है, डाउन डाउन अप अप एंड डाउन अप। ओके, तो हम लोग प्ले करके देखते हैं इसको इंट्रो वाली कॉर्ड पे जो कि ए शार्प सस्पेंडेड टू है। ओके, सो ऐसी डाउन डाउन अप अप एंड डाउन अप। सिंपल सा स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करना है, दोनों ही कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत इजी है सॉन्ग में। अगर आपको बैरे कॉर्ड्स प्ले करने में कोई इश्यू है तो आप जरूर कैपो यूज कर सकते हैं फर्स्ट फ्रेट पे। मैं आपको कैपो के थ्रू भी एक बार कॉर्ड्स बता देता हूं। तो यहां मैंने अपनी कैपो फर्स्ट फ्रेट पे प्लेस कर दी है एंड हम अपने सारे कॉर्ड्स अपनी फर्स्ट फ्रेट पे लेके आ जाएंगे, तो जिसका मतलब है कि मेरी ए शार्प सस्पेंडेड टू कॉर्ड ए सस्पेंडेड टू बन जाएगी, E flat suspended two chord मेरी D suspended two chord बन जाएगी, A sharp major chord मेरी A major chord बन जाएगी, E flat major chord मेरी D major chord बन जाएगी and F major chord मेरी E major chord बन जाएगी। ठीक है, तो अगेन अगर हम अपना सिमिलर स्ट्रमिंग पैटर्न इस कैपो के थ्रू प्ले करें तो वो भी सेम साउंड करेगा, डाउन डाउन अप अप एंड डाउन अप पैटर्न में। सिंपल सा सॉन्ग है गिटार पे प्ले करने के लिए एंड सिंगल लॉन्ग करने के लिए भी। और अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया तो इस वीडियो को रेट करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।